दोस्तों हमारे पास है सैमसंग A03S जो कि डेड कंडीशन में है और इसका जो चार्जिंग में लगाने के बाद आपको रीडिंग दिखाता हूँ 0.4 से लेकर 7 तक 0.7 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है और उसके बाद जो है वो 6767 करके फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो इसी कंडीशन में दोस्तों ज़्यादातर फ़ोन में आपको शॉर्ट है ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तो आपके पास अगर कोई भी फ़ोन ऐश कंडीशन में आता है तो उसको किस तरह से चेक करके आप उसे सॉल्व करोगे उस प्रॉब्लम को, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो पर बने रहिए और ऐसे सर्विसिंग वाला सर्विसिंग रिलेटेड टिप्स और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों ये हमारा जो पावर सेक्शन का शील्ड है, तो हम बैक का जो ये रिमूवेबल है इसको हम रिमूव कर लेंगे क्योंकि हम पावर सेक्शन को पहले निकालना है और पावर सेक्शन से ही ज़्यादातर फॉल्ट आपको मिलता है या फिर आप दूसरे जगह का भी शॉर्ट आप पावर सेक्शन से ही उसे फाइंड कर सकते हो या फिर ट्रेस कर सकते हो। तो दोस्तों हम शील्ड को निकालने के लिए दो तीन तरीके हैं और उसका एक तरीका है कि आप जो है ब्लोअर की मदद से आप इसे निकालिए। ये सबसे सेफ तरीका है क्योंकि इस कंडीशन में आपका बोर्ड में डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो इसके लिए आप ब्लोअर की मदद से ही इस शील्ड को निकालें या फिर आप कटर की मदद से इसे आप जब निकालोगे तो बोर्ड में डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। अगर आप एक्सपर्ट हो या आप आपका हाथ बहुत ही सेट है तो आप ब्लोअर की मदद से बहुत ही ईजीली और आसानी से आप इस शील्ड को निकाल पाओगे और बोर्ड में डैमेज नहीं आएगा। तो बोर्ड हम जो है फ्रेश कंडीशन में था और फ्रेश बोर्ड में काम करने का मज़ा ही कुछ अलग है। आप उसे अच्छे से काम करना है ताकि दूसरा अगर आपके पास फ़ोन नहीं बनता है दूसरे मैकेनिक के पास जाके वो बनता है तो आप इस कंडीशन में रखिए कि ताकि वो रिपेयरेबल हो, डैमेज नहीं करना है और सावधानी से काम करना है। और ये जो फ़ोन है आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से शॉर्ट आने का चांसेस है, शॉर्ट होने का चांसेस है। तो हम पावर सेक्शन का सील को पहले निकाल लिया और अगर कहीं पे डैमेज हुआ है तो हम उसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे। हमारा कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटर वो निकल नहीं गया या फिर आईसी वो है वो सब के सही जगह है, उसको चेक करना है। तो ये हमारा जो शील्ड है वो सावधानी पूर्वक हमने निकाल लिया और इसको हम चेक भी कर लिए कि हमारा बोर्ड में कहीं पर डैमेज नहीं आया है। उसके बाद आपको चेक करना है कि फ़ोन में कहीं पे हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, चार्जिंग में लगाना है या फिर आपको बैटरी कनेक्ट करके पावर को ऑन करके देखना है फ़ोन में जो आपका हीट कहाँ पे आता है। तो मेरे को लगा ये यहाँ से हीट आ रहा है और हल्का सा यहाँ पे हीट हो रहा है, तो हम इधर में रोजिन का इस्तेमाल करेंगे और चेक करेंगे कि हीट ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है। तो चेक करिए, जैसे ही हम इसको चार्जिंग के साथ कनेक्ट किया तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। तो जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे गर्म हो जाएगा और उसके बाद जब हमने चेक किया तो वहाँ पे शॉर्ट दिखा। तो हम दोबारा से आपको दिखाते हैं अच्छे से कि हमारा जो शॉर्ट है वो एक्चुअल में कहाँ पर है। तो जैसे कि देख सकते हो ये हमारा इधर में शॉर्ट है। तो ये दोस्तों बेसिकली हमारा डिस्प्ले का लाइन है, डिस्प्ले लाइट का लाइन है। तो अगर हम इसको निकालते हैं तो ये एक तरह का आप कॉयल भी कह सकते हो लेकिन ये कॉयल नहीं है। तो ये इसको हमने निकाल दिया और निकालने के बाद इस सिरे से यहाँ पे एक जंपर किया। अगर आप जंपर नहीं करते हो यहाँ पर आपको शॉर्ट दिखता है तो अगर आप इसको निकालते हो तो आपका डिस्प्ले जो है लाइट नहीं आएगा, जंपर करने के बाद आपका लाइट आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप जो जिसको निकाल रहे हो कि वो कैपेसिटर है, रेजिस्टेंट है या फिर वो आपका कॉयल है। तो वो पहले आपको चेक करना है ताकि आप जब उसे निकालोगे तो अगर वो कैपेसिटर शॉर्ट है तो ठीक है, उसको निकालने के बाद आपका फ़ोन बन जाएगा। लेकिन अगर वो कैपेसिटर नहीं है तो फ़ोन में दूसरा दिक्कत आने का चांसेस है या फिर जो रेजिस्टेंट है या फिर वो जो कॉयल है